मुंगेली जनपद के घोघपुरा पंचायत में भ्रष्टाचार सामने आया है, जहां अधिकारियों की मिलीभगत से पूर्व सरपंच और सचिव ने तालाब और शमशान घाट कागजातों में बना दिया है और पूरी राशि हजम कर ली है। आपको बता दें कि घोघपुरा गांव के तालाब पारा में महामाया से लेकर साधु बाबा मंदिर तक सीसी रोड का निर्माण होना था। पूर्व सरपंच और सचिव ने मिलकर इसके लिए आवंटित 5,20,000 और मुक्ति धाम के 5 लाख रुपए का बजट हजम कर लिया है। जब सूचना के आधार के तहत गांव के लोगों ने जानकारी निकालनी चाहिए, तब घोटाला सामने आया है। साफ सफाई के नाम पर भी पैसे निकाले गए हैं, पर सफाई कभी नहीं हुई। सरपंच और सचिव कुछ जवाब भी नहीं देते इसमें, शांतिपूर्ण से न जवाब देते हैं न संतुष्टिपूर्ण जवाब देते हैं। और ये रोड का हालत तो आप लोग देख ही रहे हैं, कैसा बना भी नहीं है, और ये 10 महीना पर करीबन 10 महीना पहले से निकला हुआ है पासा इस। हमारे यहाँ मुक्ति धाम निर्माण किए गए थे पिछले पूर्व में सरपंच श्री नर्मदा भाई जांगड़े, उनके द्वारा अग्रिम राशि निकाल कर उसे खा गया है। न अभी तक यहाँ मुक्ति धाम निर्माण हुआ है, न कोई कार्रवाई हुआ है। ग्राम घोरपुरा में गली में पानी भर रहा है यहाँ, और घर में घुस रहा है, और यहाँ कोई कार्रवाई भी नहीं हो रहा है, ना इसका रिपेयरिंग भी किया जा रहा है, और नाली का पैसा निकाल लिया है मूलभूत में करीबी वही 50,000 और पूरा गमन कर लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ सवाता रोहित कश्यप ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित, लाखों की यहाँ पर बंदर बांट कर अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ऐसे में किस किस की संलिप्तता अभी तक उजागर हो पाई है, क्या पूरा मामला है, विस्तार से समझना चाहेंगे रोहित? कि पूरा मामला मुंगेली जनपद के घोरपुरा पंचायत का है, जहां पास साल भर पहले गांव में ही सीसी रोड और शमशान घाट बनाने के लिए कार्य स्वीकृत हुआ था, जिसमें से ग्रामीणों ने शिकायत की है उसके मुताबिक सीसी रोड के लिए 2,20,000 रुपया आहरित कर ली गई है और काम के नाम पर एक ईंट भी मौके पर नहीं रखा गया है। वही जो शमशान घाट है उसके लिए 5 लाख के करीब स्वीकृति मिली थी, उसमें से 2,50,000 रुपए आहरित कर ली गई है, उस काम के नाम पर भी एक ईंट भी नहीं रखा गया है गांव में। गांव के लोगों ने इसकी शिकायत जनपद के सीओ कलेक्टर साहब के पास भी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर आज तक कोई नहीं हुई, न तो कार्रवाई हुई और न ही जाँच कराना मुनासिब समझे यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी है। और स्थिति ये कि जो गांव के जो शिकायत करता है वो लगातार जनपद के अधिकारियों के पास, जिला प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष पहुंच रहे हैं और शिकायत भी सुना रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होना कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर तो ये इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इसमें राजनीतिक संरक्षण की भी बातें आ सकती है, इसीलिए जो जिम्मेदार अधिकारी है वो भी कहीं ना कहीं मामले में जाँच कराने के बजाय पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। और एक तरफ जहां केंद्र से लेकर राज्य सरकारें दावा करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कराना है, करोड़ों रुपए सरकार जो है बहा रही है ग्रामीण क्षेत्रों की दिशा बदलने के लिए, तस्वीर बदलने के लिए, लेकिन क्या ये सोचने पर मजबूर कर दे रही है कि सिर्फ कागजों में ये विकास हो रहा है, क्योंकि मौके पर तो कुछ कहीं नजर आ ही नहीं रहे। कागजों में ही शमशान घाट बन जा रहा है, कागजों में किसी रोड बन जा रहा है, राशि भी आहरित कर ली जा रही है, लेकिन कार्य के नाम पर एक गिट्टी भी एक ईंट भी नहीं रखा जा रहा है। तो अधिकारियों के संरक्षण के बगैर तो ये ऐसा नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस गांव में हमारे से खुद शिकायत करता, छोटे लाल जी भी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्यों शिकायत की, किस आधार पर की, क्योंकि आरटीआई भी लगाई गई थी। बहुत स्वागत है आपका छोटे लाल जी। जी मैडम, क्योंकि आप शिकायत करते हैं, आपने शिकायत की थी और आरटीआई लगाने के बाद ही जब जानकारी मिली तब इस पूरे भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। क्या कहेंगे, कैसे आपने शिकायत की और अभी तक कार्रवाई को लेकर या इस मामले के खुलासे को लेकर आश्वासन क्या मिल पाया है? जी मैडम जी, मैं ये शिकायत किया था जनपद सीओ मैडम के पास कि हमारे गाँव में वर्ष 2018-19 में महामाया मंदिर से लेकर साधु बाबा रोड तक सीसी रोड समग्र विकास योजना के तहत पास किया गया था, जिसका कुल राशि था 5,20,000, जिसमें से पैसा तो निकाल लिया गया है, लेकिन आज भी सीसी रोड का कोई पता नहीं है। यहाँ पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, सीसी रोड हुआ ही नहीं है, जिसकी शिकायत हम जनपद की ओर से करने गए तो दो दो बार आरटीआई लगाए हैं, लेकिन उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और न ही कोई संतुष्टि। पंचायत सचिव जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे जवाब ले लेते हैं इस पूरे मामले पर। प्रताप सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत आपका। जी मैडम, जैसा कि तालाब बनाने को लेकर के पैसे, तालाब नहीं है मैडम, सीसी रोड है वो, ठीक है, लेकिन जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके बारे में शिकायतें आई हैं, आरटीआई लगाई गई थी, जानकारी मांगी गई थी, तब भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ।
आपके संज्ञान में बात तो होगी, क्या कहेंगे इस पर? वो सीसी रोड की राशि है जो वसूली योग्य है, आरटीआई में उसको जानकारी दिया गया है। लेकिन एक शिकायत, चलिए हम आपसे खुद ही शिकायतकर्ता जो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं उन्हीं से बातचीत कराने की कोशिश करते हैं, क्या उन्होंने शिकायत की है, क्या आरोप लगा रहे हैं। छोटे लाल जी। जी मैडम। प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, पंचायत सचिव है, क्या कहेंगे उनसे, शिकायत क्योंकि आपने लगाई थी। जी जी, मैं यही कहना चाहता हूँ मैडम जी, जब उनके जानकारी में सब काम हुआ है तो हमको आरटीआई लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए था, उनको तो खुद ये काम करना चाहिए था कि ये काम अधूरा पड़ा ग्राम पंचायत में और इस काम को पूरा किया जाए। वो सचिव महोदय है, उनका तो जिम्मेदारी हमसे पहले बनता है। हमको जानकारी लेने पर, सूचना के अधिकार के तहत जब हम जानकारी लिया तब हमको पता चला कि हमारे गांव में इसमें इतना काम हुआ है और हम खुद ग्राम पंचायत में अपने गांव में पंच है। प्रताप सिंह जी, सुना आपने। मैडम जी, वो सूचना का अधिकार उनसे पहले भी पंचायत की बैठक में बताया गया था कि वो राशि वसूली योग्य है पूर्व सरपंच का, और सूचना के अधिकार में भी वही मैं दिया हूँ जानकारी। आप बताइए, वो तो वसूली योग्य है। प्रताप सिंह जी, लेकिन सवाल यहाँ पर जो मुख्य सवाल यही है कि आखिर कब तक जो अधूरा काम है वो बनकर तैयार हो जाएगा? वो नहीं हो सकता मैडम, वो उसको वसूली करना पड़ेगा। क्या राशि जी, राशि जो सरकारी तौर पर मुहैया कराई जाती है वो कहाँ है? उसका हिसाब किताब भी इन जो ग्रामीण हैं उन लोगों ने भी उठाया था, आखिर क्या ऐसे दुरुपयोग होता रहेगा? क्या चीज का मैडम? सरकारी धन का क्या दुरुपयोग होता रहेगा? अभी तक क्यों निर्माण काम नहीं हो पाया पूरा? वो मैडम अभी बरसात है, आप भी जानते हैं, अभी काम नहीं हो सकता, बरसात में सर गाड़ी भी नहीं जा सकता। चलिए, कब तक हो सकता है? ये वसूली योग्य है मैडम राशि, सरपंच नहीं पटा पा रहा है। तो कब तक वसूली हो जाएगी? अभी ये डीएम साहब करेंगे, हम लोग नहीं कर सकते मैडम। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रताप सिंह ठाकुर जी, और छोटे लाल जी भी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।